প্রচণ্ড গরমে ইডেনে বল করতে গিয়ে অসুস্থ বোধ করলেন ভারতীয় দলের বোলার আকাশ দেব। আইস প্যাক ব্যবহার করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, তবে গরমে অসুস্থ হলেও ভালো পারফরমেন্স করেছেন শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের এই খেলোয়াড়। প্রসঙ্গত, ইডেন গার্ডেন্সে চলছে বেঙ্গল প্রো টি টোয়েন্টি লিগ, আর শনিবার ইডেন গার্ডেন্সের মুখোমুখি হয়েছিল সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স বনাম সাঁচি রা টাইগার্স, এবং যেখানে 8 উইকেটের ব্যবধানে বড় জয় পেয়েছে শিলিগুড়ির এই দল। এবং তারপর ম্যাচ শেষে আকাশদীপ বলেন, हमारे माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका है, काफ़ी ट्राई है। विकेट उतना भी मुश्किल विकेट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक विकेट है अगर हम वॉच द बॉल देखते हैं, बॉल को अकॉर्डिंग टू बॉल खेलते हैं अगर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कितना मुश्किल विकेट है। 140-150 तो हम बना ही सकते हैं इस विकेट पर, बट हमारे माइंड में ऑलरेडी ये चल रहा है कि विकेट स्लो है, टर्नर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का विकेट जो था वो विकेट बाकी विकेटों से अच्छी विकेट थी। एक्चुअल में मैं फर्स्ट टाइम पाँच महीने बाद मैं धूप में आया, बिकॉज मैं आईपीएल में था, उसके बाद मैं एनसीए चला गया था, तो वहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा है और धूप से उतना मुलाकात हुआ नहीं था। अचानक से इतनी गर्मी, ऊपर से जो बारिश हुआ है कल, उसकी वजह से बिल्कुल भी हवा नहीं था ग्राउंड में, और नीचे से जो वो गर्मी आ रही थी बहुत मुश्किल था। 3-4 बॉल के बाद 5वां 6ठा बॉल डालना, ऊपर से मैं बैटिंग कर लिया, वो रनिंग में काफ़ी भागा, तो ऑलरेडी मैं टायर्ड हो चुका था। और उसका रीज़न एक और भी है कि मेरे को कोल्ड और फीवर दोनों है कल से ही, तो थोड़ी सी वो भी रीज़न दी है। विराट के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, कुछ अच्छी यादें बताई, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला आपको विराट भाई से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब हम इतने बड़े प्लेयर के साथ रहेंगे तो सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पर आप अपने मेंटल स्किल को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस यही होता है, स्किल वाइज 19-20 रहता है प्लेयर, बट मेंटल जो थिंकिंग होती है इंसान की, जो डिसीजन मेकिंग टाइमिंग होती है ना, उसका डिफरेंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के साथ रह के हम अपने फिटनेस पे, अपने स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर अच्छा करना है तो उसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस होगा, अगर कॉन्फिडेंस होगा तो हम डिलीवर कर पाएंगे। ये आईपीएल में ये राम कम हो रहा है कि? बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टी20 कंपटीशन में थोड़ी सी विकेट बैट्समैन के फेवर में देना चाहिए। जब अधिक रन बनता है तो बैट्समैन और बॉलर दोनों का स्किल पता चलता है, जब रन ही इतना कम बन रहा है क्योंकि विकेट ड्राई है, स्लो है, तो स्किल पता नहीं चल पा रहा है। हमारा यॉर्कर ऐसा डालना ऐसा लग रहा है कि वेस्ट है, क्योंकि बिकॉज हार्ड लेंथ ही कोई नहीं मार पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट के लिए थोड़ी अच्छी विकेट और होनी चाहिए। ये शुरुआत है, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर है, मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में बंगाल प्रीमियर लीग काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने बड़े एसोसिएशन हैं इंडिया में, आप सबको पता है, तो फर्स्ट ईयर है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा होगा और बहुत सारे प्लेयर आएंगे भी इससे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वन विन वन लॉस, और टू मैच आएगा, तो क्या है कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं? एज ए क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वन गेम एट अ टाइम देखना चाहिए। हमारे पास तीसरा गेम है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद जो आगे का मैच हो सकता है। हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, जो बैट्समैन ने गलतियाँ की हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने जो गलतियाँ की हैं मुझे पता है, एज ए इंडिविजुअल एज ए टीम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी फॉल्ट है, जब मीटिंग होगी तो उसको नहीं करने का कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करेंगे अपनी गलतियों को। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।